अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी है वो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि आज से हम 30 डेज चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसको मैं पर्सनैलिटी ग्रूमिंग इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग इज ओनली द वन पार्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हम जस्ट अपने आउटर लुक या अपीयरेंस को बेहतर करने की, अपनी ग्रूमिंग करने की बात नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले हम अपनी इनर ब्यूटी और इनर सेल्फ पर काम करेंगे। क्योंकि जब आपका अंदर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली जो असर है वो बाहर आपकी पर्सनालिटी पर आएगा। इसके बारे में मैं डिटेल से कल की वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूं। जिन्होंने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी वो जाके मेरी कल की वीडियो जरूर देख लें। ठीक है जी, चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। इन 30 डेज में डेली मैं आपके साथ एक नई हैबिट डिस्कस करूंगी, उसको हम अडेप्ट करने की ट्राई करेंगे और अपनी रूटीन की लाइफ में उसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। तो जी, द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे हम आज बात करेंगे, एंड दैट इज आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज इन योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे आपको काम करना है, दैट इज जेंटलनेस, नरमी। आप कितने नरम मिजाज के हैं या हाउ जेंटल यू आर टूवर्ड्स अदर्स, आई थिंक दैट मेक्स 70% ऑफ योर पर्सनैलिटी। जैसे कि एक बहुत फेमस कोट है दैट नो मैटर हाउ रिच, टैलेंटेड और ग्रेट यू थिंक यू आर, हाउ यू ट्रीट पीपल अल्टीमेटली टेल्स ऑल, कि आप लोगों से किस तरह का रवैया करते हैं, लोगों के साथ आप किस तरह से पेश आते हैं, कितना नरम मिजाज रखते हैं या आप कितनी सख्ती से दूसरों के साथ पेश आते हैं, आपके बारे में वो सब बता देता है। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक हदीस का मफहूम भी शेयर कर देती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ में नरमी डाल दी जाती है वो खूबसूरत बन जाती है और जिस चीज़ से नरमी निकाल दी जाती है वो इतनी ही ऐबदार यानी बदसूरत बन जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि आपका नरम मिजाज होना किस कदर इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है। ये आप यहां से भी अंदाजा लगा लें कि कुरान पाक में सूरह कहफ में एक वर्ड आता है वल या तलतफ। आप अगर सूरह कहफ की तिलावत करें तो आप ये नोटिस करेंगे कि वल या तलतफ जो वर्ड आता है सूरह कहफ में, ये थोड़ा बोल्ड करके और बड़ा करके लिखा होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कुरान का हाफ हो जाता है, हाफ कुरान पाक यहां पर कंप्लीट हो जाता है। और जो लफ्ज है वल या तलतफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है और नरमी अख्तियार करो। मींस के कुरान का भी जो सेंट्रल मैसेज है दैट इज नरमी अख्तियार करो, नरम मिजाज होना, दैट इज द मैसेज। क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हमारा जो बाकी सारा अखलाक है, हमारा किरदार है, हमारा मिजाज है, वो सब इसके गिर्द घूमता है। अगर हमारे मिजाज में नरमी होगी तो हमारा बाकी अखलाक ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अच्छा, नरम मिजाज होना क्यों इतना जरूरी है? आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो के अपीयरेंस में ही बहुत सख्त मिजाज वाले, बहुत ही हार्श पर्सनैलिटी वाले लग रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपनी एग्जांपल देती चलूँ कि मैं अभी कुछ दिन पहले एक गैदरिंग में गई, मैंने एक लेडी को देखा जो कि शी वाज सिटिंग क्वाइटली और उन्होंने आईब्रोज बिल्कुल अपनी रेज की हुई थी, देर वॉज नॉट इवन अ स्माइल ऑन हर फेस, बहुत ही वो उनके फीचर्स बहुत हार्श लग रहे थे, उनके चेहरे से ही बहुत सख्ती नजर आ रही थी, उनकी पर्सनैलिटी बहुत रूड लग रही थी, लाइक उनकी बॉडी लैंग्वेज यही कह रही थी दैट स्टे अवे फ्रॉम मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग to you people। जब आपके मिजाज में ही इतनी सख्ती होती है तो वो बाहर आपकी पर्सनैलिटी में नजर आती है और आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी इस तरह से अपीलिंग नहीं लगती, बल्कि लोग आपसे दूर भागते हैं। तो जब आपके मिजाज में नरमी होती है, आपका दिल अंदर से नरम होता है, तो उसका असर आपकी बाहर पर्सनैलिटी पर भी नजर आता है और आपकी पर्सनैलिटी एकदम से जो है वो अपीलिंग हो जाती है और लोगों को बहुत आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं अगर आप नरम मिजाज वाले हैं। लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, आपको सुनना पसंद करते हैं। तो अगर आप सख्त मिजाज रखते हैं तो आज से ही ट्राई करें कि आप अपने अंदर नरमी लेकर आए, एंड ट्रस्ट मी, इससे आपकी पर्सनैलिटी में एकदम से 360 डिग्रीज का चेंज आएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके फीचर्स ही हार्श होते हैं, बहुत रूड होते हैं, वो जब आप उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो फिर आपको ये पता चलता है कि ये असल में इतना रूड, इतना हार्श नहीं है जितना कि इसकी पर्सनैलिटी दिखती है। तो अगर तो आपके ऐसे ऑब्वियसली फीचर्स को तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो नेचुरली होते हैं, अगर आपके फीचर्स ही थोड़े हार्श हैं तो आप ये इतना कर सकते हैं कि आप अपने चेहरे पर हर टाइम एक हल्की सी मुस्कुराहट रखें। ठीक है, ये नहीं कि दांत खोल के हर टाइम आप हंस रहे हैं, नो, एक हल्की सी एलिगेंट सी स्माइल आप अपने फेस पर रखें जिससे आपकी जो फीचर्स की हार्शनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। असल में जो सख्त मिजाज वाले लोग होते हैं वो दरअसल जुबान के बहुत सख्त होते हैं, और जुबान की सख्ती क्या है कि गुस्से में रहना,
ताने मारना, तंज करना, ज़ुबान की शिद्दत को दूसरों पर निकालना, लाइक अब्यूज़ करना, गाली गलोच करना और सख्त ज़ुबान अल्फाज करना, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना, तंज करना, किसी का मजाक उड़ाना, ये सब चीज़ें जो है ये ज़ुबान की सख्ती में आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं तो इन पर आज से ही काम करना शुरू करें। आप यकीन करें आपकी पर्सनैलिटी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी जब आप अपने अंदर नरमी पैदा करेंगे। और मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपने सिर्फ अपनी ज़ुबान में नरमी नहीं ले आनी, ज़ुबान में नरमी कब आएगी, जब आपके थॉट्स भी साफ़ सुथरे होंगे, जेंटल होंगे टुवर्ड्स अदर्स। क्या आप दूसरों को सिर्फ अपनी ज़ुबान से ही कैसे ट्रीट करें वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप अपने थॉट्स में भी दूसरों को कैसे ट्रीट करें दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब आपके ख्यालात दूसरों के बारे में ठीक होंगे तो वही उसका असर आपकी ज़ुबान पर भी आएगा और अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी पर आएगा। So you should be kind towards others, not through the words only, but in your thoughts as well. And when you are gentle towards others, your gentleness is everywhere, even on the street, even at the workplace where you work. सबसे पहले तुम अपने घर से ही शुरू करते हैं। Like for example, if you are a parent, then how gentle you are towards your kids, that is very important. ठीक है, आजकल हम बहुत ज़रूरी समझते हैं कि हमने बच्चों की अगर तरबियत करनी है, उनकी करेक्शन करनी है, उनकी इस्लाह करनी है, तो उसके लिए उनको डांटना बहुत ज़रूरी है। Although in reality ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बच्चे को प्यार के साथ और बहुत पोलाइट तरीके से अगर आप बच्चों को बात समझाएंगे या उनको कोई बात कहेंगे तो उसका असर उन पर बहुत जल्द होगा और वो बहुत जल्द उस चीज को अडॉप्ट कर लेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप उनको डांट कर कोई बात समझा रहे हैं तो। सो अगर तो आप पेरेंट है तो आप सबसे पहले यहां से स्टार्ट करें कि आप अपने बच्चों के साथ जेंटल हो जाएं। ठीक है, उनके साथ आप बिल्कुल पोलाइट हो जाएं। बच्चे हमारे सब्र का बहुत ज़्यादा इम्तहान लेते हैं। आई एम माई सेल्फ अ मदर एंड आई नो वेरी वेल। मेरे मिजाज में भी बहुत ज़्यादा सख्ती थी लेकिन मैंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है और बच्चे ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये चेंज ले आते हैं क्योंकि बच्चों के लिए आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने मिजाज में आपको नरमी लेकर आनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर। चलिए ये तो बहुत अलग से एक टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी जो करने का काम है वो ये है कि आप बच्चों के लिए अपने अंदर नरमी पैदा करें। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बच्चों की बात पर गुस्सा आता है तो आप अपने गुस्से को ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश करें। उस टाइम आप जब आपको गुस्सा आ रहा हो अपने माइंड में अपने आप को कंट्रोल करें, लाइक नहीं अभी नहीं, अभी गुस्सा नहीं करना। इस तरह से आप अपने आप से सेल्फ टॉक करें। अदरवाइज आप अपनी पोजिशन भी चेंज कर सकते हैं, आप थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाएं, लाइक आप कि आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। या आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप ब्रीदिंग करें, दो तीन बार आप इन आउट करें अपना, मतलब सांस अंदर बाहर करें, तो उससे भी आपका जो गुस्सा है वो थोड़ा कम हो सकता है। ये तीन प्रैक्टिसेस हैं जो कि मैंने की हैं, उन्होंने मुझे हेल्प किया है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। और जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एकदम से कि हम बच्चों पे चीखना शुरू हो जाते हैं, यकीन करें इसका जो स्पैन है बहुत थोड़ा होता है। अगर आप उस टाइम अपने आप पे कंट्रोल कर लेना और आप सेल्फ टॉक करें कि नहीं नहीं बस एक मिनट, बस दो मिनट, इस तरह से करके आप अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लें और इसको आप तीन चार दफ़ा भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा कम हो जाएगा। आप इसको करके देखिएगा। उसके बाद जी बच्चों के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा हम अपने मजाज की सख्ती दिखा रहे होते हैं वो अपने स्पाउस पे दिखा रहे होते हैं। ठीक है, अपने हस्बैंड के ऊपर या अपनी वाइफ के ऊपर। तो आप अपने घर से ही शुरू करें, आप अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, आपकी फैमिली में जो बाकी लोग हैं उनके साथ आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके अपने मिजाज में नरमी लेकर आएँ, अपने गुस्से को कम करें। और अगर आप किसी के साथ बैठ के अगर आप अपने इन लॉज की गीबत करते हैं या अपने हस्बैंड की गीबत करती हैं या आप अपने वाइफ की गीबत करते हैं तो उस चीज़ को अपने अंदर से निकालने की ट्राई करें, अपने अंदर से आहिस्ता आहिस्ता निकालें। इस तरह से आपके मिजाज में नरमी आती चली जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं जी वर्क प्लेस की। अगर आप कहीं जॉब करती हैं या जॉब करते हैं तो हाउ जेंटल यू आर टुवर्ड्स योर कोलीग्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ जेंटल एंड पोलाइट यू आर टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयज, टुवर्ड्स योर को वर्कर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट हाउ जेंटल एंड पोलाइट यू आर टुवर्ड्स योर लोअर स्टाफ। ठीक है, आप अपने लोअर स्टाफ के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, अपने हेल्पर्स के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, अगर आप बॉस हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो जगह हैं जहाँ पर आपको पोलाइटनेस शो करनी है, जहाँ पर आपको जेंटलनेस शो करनी है। इसके अलावा जी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू आर अ टीचर देन हाउ जेंटल यू आर टूवर्ड्स योर स्टूडेंट्स, दैट मैटर्स अ लॉट। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने अंदर नरमी लेकर आएं अपने से जुड़े हर रिश्ते के लिए, अपने से जुड़े हर रिलेशन के लिए, इवन ऑन द स्ट्रीट्स एज वेल। हम अक्सर ऐसे होता है कि भाई क्योंकि हमसे कुछ मांगता है, बेगर्स आ जाते हैं तो फिर हम उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं।
तो उनके साथ भी नरमी इख्तियार करें. अगर आपने उनको कुछ नहीं भी देना तो भी उनको बहुत पोलाइटली उनसे एक्सक्यूज़ कर लें, या अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप खामोश हो जाएं, लेकिन अपनी ज़ुबान की सख्ती उनके ऊपर मत निकालें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन किन हालात से गुजर कर आ रहा है. एंड यू आर नोबडी टू जज अदर्स, ठीक है? तो आप अपनी ज़ुबान की सख्ती को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने मिजाज की सख्ती को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने ताने और गुस्से को और तंज और जो हंसी मजाक आप करते हैं, दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, उसको अपने अंदर से ख़त्म करने की कोशिश करें. और यकीन करें, ये जब आप इस पर काम करेंगे तो आप, बिलीव मी, यू विल नोटिस 360 डिग्री चेंज इन योर पर्सनैलिटी, आई अश्योर यू. अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ जेंटल हो जाते हैं तो लोग आपका समटाइम्स फ़ायदा भी उठाते हैं और आपको एज अ डोर मैट यूज़ करते हैं. तो इसके लिए मैं आपको एक आसान हल ये बता देती हूँ कि जब आपने अपने अंदर पोलाइटनेस या जेंटलनेस लेकर आनी है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने आप को सबमिट कर दें टूवर्ड्स अल्लाह. कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, आप तो सबके साथ अच्छे हैं ना, अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है या आपकी जेंटलनेस का, नरमी का फ़ायदा उठा रहा है या आपको वीक समझ रहा है, तो उसका मामला आप अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह जाने और वो इंसान जाने, ठीक है? इसलिए अगर आप अपने अंदर चेंज लेके आना चाह रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबमिट कर देना. सबमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, ठीक है? आप बस अल्लाह की मर्जी के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए आप दूसरों के साथ पोलाइट हो रहे हैं, दूसरों के साथ जेंटल हो रहे हैं, तो आप उस चीज़ को अल्लाह पर छोड़ दीजिए. इसके अलावा अपने मिजाज में नरमी पैदा करने के लिए जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एम्पथी. कि अपनी, अपने आप को दूसरों की जगह पर रख कर देखें कि अगर आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए, देन हाउ वुड यू लाइक टू बी ट्रीटेड. आप क्या चाहेंगे कि आपके साथ कोई कैसा बर्ताव या कैसा रवैया रखे, ठीक है? तो बिल्कुल उसी तरह से आप दूसरों के साथ बिहेव करें जैसा कि आप चाहते हैं या आप चाहती हैं कि लोग आपके साथ बिहेव करें, ठीक है? तो अपने आप में चेंज लाने के लिए टू थिंग्स जो मैंने आपको बताई हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक है सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, एंड सेकेंड वन इज एम्पथी, ठीक? And keep this in your mind that your inner beauty should be your priority, ठीक है? अपने appearance को तो आप किसी भी तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, branded कपड़े पहनकर, अच्छे से अच्छा मेकअप करके, हेयर स्टाइल बना के, ज्वेलरी पहनकर आप बहुत अपीलिंग लग सकते हैं, लेकिन असल में खूबसूरती क्या है कि आप अंदर से कितने खूबसूरत हैं. हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रूम्ड योर इनर सेल्फ इज, हाउ जेंटल एंड पोलाइट योर इनर स्पिरिट इज, दैट इज ऑफ ग्रेट वर्थ. मुझे आज की जो गुड हैबिट है जो कि आपने अडाप्ट करनी है, उसको डेली लाइफ में आपने प्रैक्टिस करना है, वो है जेंटलनेस. नरमी को अपने अंदर पैदा कीजिए, नरमी लेकर आइए अपने से जुड़े हर रिश्ते के साथ और हर मामलात में. इम्प्रूव योर सेल्फ एंड बी अ ग्रेट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फायदा उठा सकें. सो दिस इज मारिया साइनिंग आउट. अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज.